युवा कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश और भारत सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी सहित क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उपमंडल मुख्यालय आनी में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने समय रहते आम जनता की व्यथा नहीं समझी तो ये प्रदर्शन उग्र आंदोलन का रूप धारण करेगा। उन्होंने आनी के विधायक किशोरीलाल सागर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री द्वारा दो साल पहले आनी में राजत्व दिवस जैसे राजकीय समारोह में की गई घोषणाओं को विधायक को पत्र लिखकर अवगत करवाना पड़ा, बावजूद उसके एक भी घोषणा धरातल पर शुरू नहीं हुई, जबकि गत वर्ष नवम्बर महीने में सिराज उत्सव मेले के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी भरी सभा में विधायक किशोरीलाल सागर के समाचार पत्रों में प्रकाशित पत्र बम का ही हवाला दिया था, जिसमें विधायक ने मुख्यमंत्री से घोषणाओं को पूरा करने की याद दिलाई थी। महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। नरेंद्रवादी बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। जनसंख्या बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। युवा कांग्रेस जिलापा, जिलापा, जिलापा। राष्ट्र में आग लगी है, राष्ट्र में मोदी दे रहे शासन में। पहले जो आपने सानी विधानसभा के अंदर घोषणाएं करके गए थे, कम से कम उसके ऊपर तो एक प्रकाश डालिए। आनी के अस्पताल को आपने अपग्रेड किया था, जरा हमें बताइए कि आपने कितना अपग्रेड किया। आपने स्टेडियम का निर्माण करने के लिए पैसे दिए थे, जरा बताइए आपका उस स्टेडियम कितना बड़ा हो गया है। आपने हमारा रेस्ट हाउस को सर्किट हाउस में बदलने की कोशिश की थी, जरा बताइए ताजमहल आपका कितना बन गया है। बाकी जो बुनियाद चीजें हैं उसके ऊपर मैं आग्रह, देश का एक जो सांप्रदायिक सौहार्द था, इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं थी, वो सभी खतरे में आ गई हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब से नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार केंद्र में आई है, जो वादे इन्होंने देश की नौजवानों के साथ किए थे, हमसे कहा गया था कि हर वर्ष हम लोग 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हमें पूछना चाहते हैं उस रोजगार का क्या हुआ। हमसे यह वादा किया गया था कि विदेशों में जमा जितना काला धन है वो वापस आ जाएगा और 15-15 लाख रुपए हर एक हिंदुस्तानी के खाते में आएंगे। हमें जानना चाहते हैं उन 15 लाख रुपयों का क्या हुआ। आपने आज इस देश के अंदर देश के लोगों को स्कूलानी में खोल के गए 8 PSC, 6 वेटनरी, आज की डेट में कहीं कहीं एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोले, 3 कॉलेज, आनी, निर्मण और दलाश में पॉलिटेक्निकल कॉलेज। जो हमने दलाश में पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला उसकी स्थिति आज क्या है? वो राम मंदिर की तरह उसमें 20 साल लग जाएंगे। ना कोई कागज है ना कुछ है। अगर राजा वीरभद्र सिंह ने खोला, अब शायद नोटिफिकेशन के नया खोला कोई, वही पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, नहीं तो आज बंद कर तैयार हो जाता। झूठी घोषणा बंद करो, बंद करो। एक भी नहीं बना। इनका MP जो हमारा यहाँ का राम स्वरूप है, उसको तो 1 लाख रुपया इनाम देना पड़ेगा जो उनको ढूंढ के लाएगा। एक इंच भी नहीं पाया है पूरे 6 सालों में। 2 करोड़ सांसद निधि है, बांटने का टाइम नहीं अगले को। NH खाक बनाएगा वो। हमारा जयराम जी 25 जनवरी को यह आया, पूरे 2 साल से ऊपर का समय हो गया, घोषणा की एक भी घोषणा पूरी हुई, हम भी खुश हुए। हमने कहा पड़ोसी है अच्छा काम करेगा। मैं तो हैरानी की बात है, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई, जबकि ये सड़क जो है ना नगार से जाती है राणा बाग छतरी होते हुए,
राणा बाग से आगे चौड़ी हो गई, जबकि राणा बाग से नगान तक एक इंच भी एक पत्थर भी नहीं हाल आया। हमने कहा ये काम क्यों नहीं हो रहा, मुलक चोरी लाल है दो मुलगुट के। जयराम गुट के लिए दिया है, बड़े शर्म की बात है। चोरीलाल सागर एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पा रहा और खुद ही लिख रहा है पत्रकारों को कि मैंने जयराम को चिट्ठी लिखी कि मेरी घोषणा पूरी की जाए। बड़े शर्म की बात है। मैं तो चोरीलाल जी से एमएलए साहब से निवेदन करूंगा, आपको तो जयराम के पास इस्तीफा देना चाहिए। जब आपके काम नहीं हो रहे आप क्या कर रहे? हम साथ चलते हैं। बड़ा दुख की बात है। एक्शन बदलता रहा, एक्शन बदलते रहे। पैसा उनके पास एक रुपया नहीं है, अगर टैंक में पानी होगा तब नल में आएगा। एक्शन के पास काम पैसे नहीं होगा कैसे देगा, उसके बदल के क्या पैसे आएंगे? जब आपको चेहरा कुछ नहीं दे रहा है आप क्या करेंगे? यहाँ की इतने बुरे हाल, मैं आपको बताऊँ, पिछले 5 साल राजा वीर